बिसमिलीम अलैक्म वेलकम टू माई चैनल आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़े की इंस्टेंट एंड क्विक फिन्नी की रेसिपी शेयर करूँगी जो कि बहुत ही मज़े की और क्रीमी बनती है अगर आपका मीठा खाने को दिल चाह रहा है तो ये रेसिपी बहुत ही परफेक्ट है और ये बहुत ही जल्दी बन जाती है या कोई मेहमान आ रहा है तो तब भी यह रेसिपी आप फ़ौर से बना सकते हैं तो रेसिपी बनाने से पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया तो सबसे पहले मैंने एक लीटर दूध लिया था और उसमें से मैंने एक कप दूध निकाल लिया अब इसके अंदर हम फोर टेबल स्पून चावल का आटा डालेंगे मेक श्योर sure कि जो आप आटा ले रहे हैं वो पुराना नहीं होना चाहिए क्योंकि अगर आपके पास अगर पुराना आटा पड़ा हुआ है तो उसमें थोड़ी सी स्मेल आ जाती है इसलिए आपने फ्रेश आटा लेना बाज़ार से ईजीली चावल का आटा मिल जाता है और ये हम फोर टेबल इसके अंदर डाल देंगे आप चाहे तो कच्चा दूध भी ले सकते हैं और अगर आपके पास बॉयल किया हुआ दूध है तो वो भी ले सकते हैं लेकिन उसको आपने पहले ठंडा कर लेना है फिर आपने इसके अंदर आटे को मिक्स करना है इसको अच्छी तरह से हम इसको मिक्स करेंगे इसके अंदर ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स बाकी ना रहे क्योंकि अगर इसके अंदर गुटली रह जाएगी तो आपकी खीर जो है वो अच्छी नहीं बनेगी ये देखिए ये मिक्स हो चुका है अब बाकी का जो दूध था वो मैं इसमें डाल दूँगी पैन में क्योंकि हमने इसके अंदर से एक कप निकाल लिया है एक लीटर दूध से अब इसके अंदर मैं जो चावल का आटा मिक्स किया हुआ था दूध में वो डाल के स्ट्रेन करेंगे किसी भी स्ट्रेनर से कर लें क्योंकि ये ज़्यादा अच्छा रहेगा कोई भी अगर इसके अंदर लम्ब पाकि होगा तो वो ईजीली दे के निकल जाएगा अभी मैंने इसको ठंडे दूध में डाला है अभी मैंने फ़्लेम ऑन नहीं किया हुआ चूल्हा बंद है और इसको डालने के बाद मैंने फ़्लेम ऑन किया है अब इसके अंदर मैं तीन छोटी इलायची डाल दूँगी ग्रीन वाली अगर आपके पास पाउडर है तो आप वन टीस्पून पाउडर भी डाल सकते हैं अब फ्लेम ऑन करने के बाद आपने इसको मसलसल जो है चम्मच को चलाते जाना है आपने इसको छोड़ना नहीं है जैसे जैसे ये गर्म होता जाएगा इसमें बॉयल आता जाएगा और ये जो खीर है हमारी फिरनी ये गाढ़ी होती जाएगी अगर आप इसको छोड़ देंगे तो जो आटा है वो नीचे लगना स्टार्ट हो जाएगा ये देखिए इस तरह से ये आटा जैसे जैसे फूलेगा दूध भी हमारा गाढ़ा होता जाएगा आपको नज़र आ रहा होगा ये दूध जो है थोड़ा थोड़ा गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया क्योंकि जो हमने आटा डाला है वो इसके अंदर अब फूल रहा है अब इसको मुसलसल बस आपने मिक्स करते जाना है और बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना कि एकदम से ये दूध जो है वो गाढ़ा हो जाए या दूध सूख जाए तो उस तरह से आपका जो आटा है वो अच्छी तरह से इसके अंदर फूलेगा नहीं जैसे ये गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाएगा तो ये मेरे पास एक दिल जो खोए वाला दिल होता है वो था इसको मैंने बारीक बारीक कर लिया था कद्दूकश आप चाहें तो आपके पास अगर बर्फ़ी है तो आप वो भी डाल सकते हैं अगर आपके पास खोया है तो आप वो भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं क्योंकि तीन ऑप्शन मैंने आपको दे दिए कुछ भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं तीनों से ये बहुत अच्छा हो जाएगा मज़े का अब इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे अब ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास खोया नहीं है तो आप खोया नहीं डाल सकते तो आप मिल्क पाउडर डाल लें अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो आमतौर तो पर घरों में बर्फी वगैरह आ जाती है आप उससे भी बना सकते हैं अब इसके अंदर मैं चीनी डाल रही हूँ मेरे पास ये टोटल हाफ कप चीनी थी और इसमें से मैंने टू टेबल स्पून बचा ली है पहले मैं इसकी चीनी जो है वो चेक करूँगी कि इसका मीठा कितना है क्योंकि जो मैंने इसके अंदर बर्फ़ी डाली थी उसमें भी थोड़ा सा मीठा होता है तो इसलिए उस हिसाब से मैंने इसके अंदर डाला है अब ये बाकी का भी मैं डाल दूँगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा मीठा कम लग रहा था जो मैंने इसके अंदर कोई वाली बर्फ़ी डाली थी उसके अंदर मीठा कम था अब ये फिरनी जो है हमारी ये देखिए गाड़ी होनी स्टार्ट होगी है बल्कि ये इतनी काफ़ी है इसको इससे मज़ीद आप गाड़ी मत कीजिएगा अब इसके अंदर मैंने थोड़े से तकरीबन दो टेबल स्पून बादाम डाल दिए थे क्योंकि जो मैंने इसके अंदर खोए वाली बर्फी डाली थी उसके अंदर भी बादाम थे अब इस स्टेज पे आप मीठा चेक कर सकते हैं अगर आप तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो आप इसके अंदर तकरीबन टू टेबल स्पून और डाल दीजिए क्योंकि जब खीर गर्म होती है तो मीठा तेज़ लगता है लेकिन जब इसको आप ठंडी करते हैं तो इसका मीठा जो है थोड़ा सा कम हो जाता है तो वो आपने अपने हिसाब से चेक कर लेना है अब ये देखें बिल्कुल हमारी फिरनी रेडी और ये कितनी मज़े की क्रीमी सी लग रही है अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको ठंडा खाना है या गर्म खाना है हम इसको ठंडा खाते हैं तो उस हिसाब से इसकी जो शुगर थी वो बिल्कुल ठीक थी गरम खाते हैं तो फिर आप उस हिसाब से इसकी जो चीनी है वो चेक कर सकते हैं अब ये बहुत ही मज़े की हमारी खीर रेडी है आप इसको चाहें तो मट्टी के बर्तन में निकाल लें तो चाहें तो किसी और बर्तन में निकालें लेकिन ये मट्टी के बर्तन में ज़्यादा मज़े की और ज़्यादा इसकी लुक अच्छी आती है तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा अल्लाह हाफिज़